राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर 60,000 की कीमती सागौन लकड़ी किया जब्त। देवभोग वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग ने घुमरगुड़ा में एक घर में छापेमारी कार्रवाई के दौरान 60,000 का सागौन लकड़ी जब्त किया है। जब्त किए गए लकड़ी को देवभोग कार्यालय के वन परिसर में लाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वन परिक्षेत्र अधिकारी नागराज मंडावी ने बताया कि मुखबिर से मिले सूचना के आधार पर एक टीम मौके के लिए रेंजर के नेतृत्व में रवाना किया गया। टीम में वनपाल दिनेश चंद्र पात्र, सहायक परिक्षेत्र एडी मुरचुलिया, तहसील राम नेताम, बिंबाधर यदु, वन रक्षक लंबोदर सोरी, चौकीदार भोलाराम यादव, सत्यवान सिंह ठाकुर और मोहन यादव को मौके के लिए रवाना किया गया। टीम ने सर्च वारंट के साथ घुमरगुड़ा के एक घर में दबिश दी। इसके बाद घर के दो कमरों की जांच करने पर 48 नग सागौन मिला। रेंजर ने बताया कि जब्त किए गए सागौन चिरान की कीमत करीब 60,000 रुपए है। खबरों में बने रहने के लिए जैक